स्वच्छता में लगातार पांचवी बार जीत का पंच लगाने पर इंदौर की स्वच्छता देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सफाई में लगातार पांचवी बार देश में नंबर वन आने की वजह और यहां की सफाई व्यवस्था को जानने के लिए देश भर के लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के महापौर, उपमहापौर, पार्षद व अधिकारियों सहित 30 सदस्यों का दल इंदौर का दौरा करने के लिए आया। इंदौर की स्वच्छता देश भर में बनी चर्चा का विषय, नंबर वन आने की वजह जानने को देश भर के लोग उत्सुक। ईटानगर के महापौर, उपमहापौर और पार्षदों की टीम आई इंदौर। इंदौर आई टीम ने लगातार नंबर वन बनने का जाना एजेंडा। इंदौर की स्वच्छता में लगातार पांचवी बार नंबर वन पर आने पर यहां की सफाई व्यवस्था के बारे में जानने के लिए लोगों को बड़ी ही उत्सुकता है। इंदौर के नंबर वन आने के राज और सफाई के एजेंडे को हर कोई जानना चाहता है। इसी को लेकर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के महापौर, उपमहापौर, पार्षद व अधिकारियों सहित 30 सदस्यों का दल इंदौर का दौरा करने के लिए आया। बुधवार सुबह टीम के सदस्यों ने सबसे पहले कबीरखेड़ी के सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन किया। दल को प्लांट के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें बताया गया कि किस तरह से शहर में सिवरेज के पानी को ट्रीट कर नदी में छोड़ा जा रहा है। ईटानगर के दल को पूर्व महापौर मालिनी गौड़ और अपर आयुक्त संदीप सोनी की उपस्थिति में स्मार्ट सिटी ऑफिस में प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंदौर के स्वच्छता अभियान की जानकारी व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही ट्रेंचिंग ग्राउंड में ड्राई वेस्ट रिकवरी प्लांट, कंपोस्ट प्लांट के साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में दल को विस्तार से जानकारी दी गई। पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने बताया कि इंदौर की लगातार स्वच्छता में पांचवी बार नंबर वन आने पर देश भर के लोग यहां की स्वच्छता के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। इसी को लेकर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की पूरी टीम ने इंदौर का दौरा किया और यहां की स्वच्छता के बारे में जानकारी ली। लगातार इंदौर पांच बार पूरे देश में प्रथम स्थान पाया है और सभी की मेहनत से, सभी के सहयोग से ये आगे बढ़ा है और लगातार इन 5 वर्षों में सभी पूरे देश के और इंटरनेशनल स्तर के यहाँ 3-hour कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, और उसमें भी कई लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यहाँ पर आए थे और आज अरुणाचल की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। वहाँ के मेयर हमारे साथ हैं और सभी पार्षदगण हैं, सभी अधिकारीगण हैं, सभी इंदौर की स्वच्छता देखना है। सब यही कहते हैं कि इंदौर ने ऐसा क्या किया है कि हमेशा नंबर वन आता है, तो सभी लोग यहाँ पर कौतूहलवश देखने आते हैं और जिस प्रकार से जो देखकर समझ आता है वो देखकर ही समझ आता है और उसी के लिए सभी लोग पूरे देश से यहाँ पर स्वच्छता देखने आते हैं। और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों को एक प्रतियोगिता में खड़ा कर दिया है, उसी प्रतियोगिता के लिए लोग आगे बढ़ चढ़कर देखने आते हैं कि इंदौर नंबर वन कैसे आता है और लगातार सभी लोग इस स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग, सभी शहर, पूरे भारत के सभी शहर स्वच्छ हो रहे हैं। जहाँ एक समय था कि भारत वर्ष को एक गंदा देश माना जाता था, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस छोटी सी बात को एक बड़ा स्वरूप दिया है और सभी को कहा है जन सहभागिता से इसको करें और हमने इंदौर शहर में जन सहभागिता से इसको किया तो हम सफल रहे। और सभी शहर, मैं कहना चाहूँगी कि सभी शहर जन सहभागिता से, मेयर कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन से ये हम आगे बढ़ सकते हैं। सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण, सभी हमारे सफाईकर्मी और खासकर शहर की जनता इसको आगे ले जा सकती है। तो मैं आज अरुणाचल के मेयर और सभी कॉरपोरेटर अधिकारियों का इस स्वच्छ शहर में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वहीं ईटानगर की महापौर
तामे फसांग ने बताया कि हम इंदौर की स्वच्छता के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार इंदौर किस तरह से अपना काम करता है, जिसके चलते वह लगातार स्वच्छता में नंबर वन आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने देश भर के लोगों से इंदौर आने की अपील भी की, इंदौर आए और यहाँ की स्वच्छता के बारे में भी जाने। जी, जैसे कि ऑनरेबल मैडम ने आपको बता दिया, हम हिंदुस्तान में सबसे पहले जहाँ सूर्यदेव उदय होता है, मैं उस प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल प्रदेश का नाम से आप सबको मालूम है। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा विशाल देश है, 130-135 करोड़ आबादी का देश है। उसमें इंदौर एक ऐसे सिटी है, वो पहला प्रथम में आना, वो अपना आप में वही एक कोई आपका इंट्रोडक्शन का परिचय करने का कोई ज़रूरी नहीं है। इंदौर आज उस दौर पे और उस स्थान पे खड़ा है। तो हम, जैसे मैंने मीटिंग में बताया, हम सारा अरुणाचल की जनजाति की ओर से, सारा प्रदेश की ओर से, खास करके मैडम, सुना है अभी तो एमएलए है, लेकिन ये दौर में, इस जन भागीदारी में, ये सारा सिस्टम को संभालने के लिए ऑलरेडी वो कॉरपोरेटर बन के शायद मेयर थे, तो सारा श्रेय तो मैडम को जाता है और यहाँ आप सब मीडिया बंधु को भी जाता है और यहाँ के आबादी को भी जाता है और सारा मेरा कॉरपोरेटर बंधु लोग को जाता है। तो उस हिसाब से, उस नज़रिए से हम देखा जाए तो हम सारा हिंदुस्तान मोदी जी का साथ चल के हम सब कोशिश ये करेंगे कि हम इंदौर बन नहीं पाने से भी इंदौर जैसे चलने के लिए, इसलिए इतना दूर से मैडम को हम लोगों ने क्षमा चाहेगा कष्ट किया यहाँ आने के लिए ऐसे करके, क्योंकि हम इंदौर को सिर्फ नहीं, सारा देश को ऐसे बनाना है। तो उस मिशन के लिए हम लोग बहुत दूर से चल के आया, फैमिली लोग भी, कॉरपोरेटर लोग भी, सब आया और आप सबका आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। आप सबका माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहेगा कि जहाँ सूर्य उदय पहले होता है, बाकी स्टेट्स भी इंदौर आए, यहाँ का मूल मंत्र को, यहाँ का वो सिस्टम को, फुटप्रिंट्स को और यहाँ का जो लाइन ऑफ वर्किंग को सब आए यहाँ समझे और आप सबसे रूबरू होए। मैं यही चाहता हूँ, चंद शब्दों के साथ मैडम को मैं दोबारा तहे दिल से, दिल के कोने से आभार प्रकट करता हूँ। कॉरपोरेटर सर भी मेरे सामने खड़ा, फ्रॉम द इंटायर स्टेट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार। सर, विशेष चुनौतियाँ क्या है स्वच्छता के लिए? देखिए, वैसे तो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मैम, सच्चाई में बोले तो हम अभी नया नया हुआ है, वी आर ओनली 8 मंथ्स ओल्ड, पहले ये म्यूनिसिपल थे और यहाँ सिस्टम बहुत अभी अभी शुरू हुआ। सबसे पहले तो वो एक चैलेंजेस है, दूसरा हम इसको आपका पैटर्न में, आपका सिस्टम को अभी यहाँ सीखेंगे, थोड़ी देरी के बाद पीपी में देखेंगे और शायद हम लोग कर पाएगा, वो क्षमता रखता है हमारा प्रदेश भी, इसलिए विल मेक आवर बेस्ट टू कैच अप इंदौर स्टाइल। सर, आपका परिचय? मैं, आई एम तामे पासांग, नाउ आई एम प्रेजेंटली मेयर ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इज द कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जी, थैंक यू सो मच, नमस्ते। गौरतलब है कि देश में लगातार 5 बार स्वच्छता में नंबर वन आने के पीछे का कारण और सफाई व्यवस्था को जानने के लिए देश भर के लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।